अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान, खसवा 7 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। खुश आमदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का खसवा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। नाज़रीन, बतारीख 22 जून की सुबह तेलंगाना माइनॉरिटीज़ यूथ डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट जनाब एहतिशाम उद्दीन की कार एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें एहतिशाम उद्दीन, इनकी बहन और दिगर अरकान ख़ानदान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे, जिसके बाद खसवा 7 न्यूज़ चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन से एहतिशाम उद्दीन और इनके अफराद ख़ानदान की जल्द अज जल्द सेहत याबी के लिए खसूसी दुआओं की अपील की गई थी। एहतिशाम उद्दीन के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से ढेर सारी दुआएँ की गई। अल्लाह के फजलो करम से और तमाम की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह एहतिशाम उद्दीन और उनके फैमिली मेम्बर्स सेहतयाब हो रहे हैं और वो लोग अस्पताल से भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। खसवा 7 न्यूज़ चैनल की जानिब से चैनल के एडिटर इन चीफ जनाब खाजी हाफिज़ मोहम्मद अली ने एहतिशाम उद्दीन की सेहतयाबी के ज़िमन में इनकी गुलपोशी व शालपोशी की और इन्हें बेहतरीन खिदमात को सराहने के लिए तहनीत भी पेश की गई। इस मौके पर एहतिशाम उद्दीन के कई सारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार भी इनकी सेहतयाबी के मौके पर इनकी गुलपोशी की और इन्हें दुआओं का नजराना भी पेश किया। एहतिशाम उद्दीन ने भी तमाम आवाम, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर निशात फातिमा, फरजाना मैडम, रुखिया बानो, मीर सज्जाद अली, समाजी कारकुन रहमत खान, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद खुर्शीद अहमद, सैयद रिजवान, मोहम्मद यूसुफ अली और दिगर कई सारे लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। तमाम ने जनाब एहतिशाम उद्दीन की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआओं का नजराना भी पेश किया। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। खसवा 7 न्यूज़ चैनल के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।